जाटों को दबंग लिखा है। इसका मतलब ये सब आरक्षण खत्म करने की बहुत पहले से चाल थी, ये बिल्कुल समझने की बात है। अब दूसरी बात, हमने प्रधान साहब को बोला भाई सीएम साहब को बताना जाटों को आरक्षण मंडल आयोग के तहत भी मिल सकता है। ये बात उन्होंने सीएम साहब को बोला तो उनका जवाब था कि मंडल आयोग जो रिपोर्ट है पुरानी है, और यही बात कोर्ट ने बोला कि जाटों के जो आंकड़े हैं वो पुराने हैं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं। आज इस देश में 300 एक्ट कानून जो अंग्रेजों ने बनाए थे वो चल रहे हैं और उन्हीं के तहत जज फैसला दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा संविधान 65 साल पुराना हो गया है, वो भी आज किसी काम का नहीं है। कहने का मतलब ये सारी ऊपर से नीचे लिंक है और उसी लिंक के तहत जाटों का आरक्षण खत्म किया गया। ये सब जाट को समझना पड़ेगा। अब सवाल क्या है, अब जिस बात के लिए आप बैठे हो सुबह से चिंतित हो, जाट एकता, ये हमारे जितने संगठन हैं और हम लोग जो आए हैं वो सारे एक हैं और सारे आरक्षण की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा समाज है ये, मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तर भारत का सबसे बड़ा समाज जाट है। यादव हमारे से 10% ज्यादा है, लेकिन वो बिहार यूपी में। इतने बड़े समाज में विचारधारा विचार अलग होना स्वाभाविक है, उसमें चिंतित होने की बात नहीं है। अब आपने हमने मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सीधे तरीके से जाटों को आरक्षण नहीं मिलेगा। कुछ भाई बड़े जल्दी में है कि भाई आंदोलन कर दो फटाफट। भैया इसे गांव का पानी का बिजली का मसला नहीं है, एक बहुत बड़ी कौम का मसला है, और ये आंदोलन कितना भी लंबा चल सकता है, उसके लिए हमने शारीरिक तौर पर मानसिक तौर पर तैयार रहना पड़ेगा। तो मैं मेरे संगठन ने जो अपनी रूपरेखा बनाई थी वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, और उसके बाद सारे भाई जो बनाई कमेटी वो अंदर बैठेंगे और फाइनल जो है डिसीजन लेंगे। हमने बताया, आपने सुना होगा जगह जगह अखबारों में टीवी पर, कि जब हरियाणा के पंचायत के चुनाव खत्म हो जाएंगे या उनकी घोषणा हो जाएगी, हम जो है जाट महारैली की घोषणा करेंगे और वहीं पर कमेटी जो है फैसला लेगी क्या किया जाए, क्योंकि ये चीजें आंदोलन की चीज सब के सामने उसी टाइम नहीं बतानी चाहिए, ऐसा हमारा अनुभव है। और उस रैली के अंदर जो भी जाट आएंगे वो लाठी के साथ आएंगे, जिस प्रकार गुजर गए थे आपने देखा होगा। उसके बाद लाठी और जेड़ी हमारा घरेलू और सामाजिक हथियार है, जिसको कोई नहीं छीन सकता है, और आप लाठी लेके आ जाना जिस प्रकार से आरएसएस के लोग जाते हैं। याद करो आप लोग एक बार, लोगों ने निक्कर पहन के थोथेबाज की लाठियां लेके इस देश की सत्ता और प्रदेश की सत्ता पर कब्जा कर लिया, जाट आरक्षण कैसे नहीं ले सकता है हम देखेंगे। ध्यान देने की बातों पर, खाली मैं जोश में नहीं बोला, होश है मुझे, इस उम्र में मैं होश से बोल रहा हूं। आपको आरक्षण मिलेगा दमल दिखाने से, हाथ जोड़ने से आरक्षण नहीं मिलेगा, भूल जाना इस बात को। और हमारे ऊपर आप 1000 इल्जाम लगाइए, हमको सब स्वीकार हैं, लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है समाज से कि आप बैक हो मत। एक आदमी एक झूठ का सुरा छोड़ देगा और वो बात पूरे हरियाणा समाज में चढ़ जाती है। इस पूरे देश में हरियाणा का जाट है वो ज्यादा बैठता है, दूसरे पर ज्यादा विश्वास करता है, यह सबसे बड़ी गलती है और उसी का खामियाजा हमने कई बार भुगते आया। तो हमारी जो रूपरेखा बड़ी सीधी है कि हम जो है रैली करें, आरक्षण की बात करें। आप जानते हो कि जब इलेक्शन होगा कोई हमारी बात नहीं सुनेगा, और इलेक्शन खत्म होने के बाद भी एक हफ्ता तक लड़ाई चलेगी। तेरे वोट नहीं दिए, तेरे बाप ने नहीं दिए, मैंने तेरे दादा को वोट दिए थे, यह कार्रवाई एक हफ्ता चलेगी और एक हफ्ता फिर वोट लग जाएगा। तो कम से कम इलेक्शन के बाद
तो हाँ तो कम से कम हमको इलेक्शन के बाद 20-22 दिन चाहिए जब हम आंदोलन जो है ढंग से खड़ा कर सकते हैं। अभी कुछ भाई जो बोल रहे हैं पहले आंदोलन करने की, हम नैतिक तौर पर वो करना चाहते हैं, हम नैतिक समर्थन देते हैं, लेकिन हम हिस्सा नहीं ले पाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है भाइयों, मैं बस समाज के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने कोई पाकिस्तान चाइना की लड़ाई लड़ने वाला नहीं हूं। फर्क इतना है, जब वर्दी पहनता था तो लाठी लेके पिस्टल लेके उधर खड़ा होता था और आज सिविल में इधर खड़ा होता हूं। फासले का और दिशा का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। मैंने ये देखा है कि जहां आपने आंदोलन चलाना है, चाहे वो हथियार बंद हो चाहे खाली हाथ हो, सबसे पहली बात है वहां लोकल सपोर्ट, स्थानीय मदद आपको जरूरी है। आप दिल्ली के अंदर जाकर के रैली कर सकते हो, आंदोलन नहीं चला सकते क्योंकि आपकी सपोर्ट वहां मिलने वाली नहीं है। हमने बहुत वहां पर रैलियां की है, दिल्ली के जाट नहीं आते हैं, एक पानी का बंदोबस्त भी नहीं करते कभी। हरियाणा वाले जाके वहीं बंदोबस्त करते हैं, इस बार भी देखा होगा नांदर साहब ने किया। दूसरी बात, जहां आप आंदोलन करोगे वहां के जो स्थानीय लोग हैं, आदमी हैं, चाहे वो किसी जाति के हैं, उनको कम से कम तकलीफ होनी चाहिए, नहीं तो आपका आंदोलन फेल हो जाएगा। अब हम जब पहले जैसे किया रेलों की एक जगह रुकी और उसके बाद 14 जगह रुकी, लोकल आदमी को कोई तकलीफ नहीं थी। रामायण गांव के साथ किया, रामायण गांव के लोगों के लिए रास्ता हमेशा खुला रहता था। रेलों की वो दूसरे दूर से आ रहे थे, उनको तकलीफ थी। आंदोलन में तकलीफ तो होगी, लेकिन लोकल आदमी को कम से कम तकलीफ होनी चाहिए जब आपका आंदोलन सफल होगा। जोश में आ सकते हैं हम, जोश में बड़े बड़े भाषण दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात को जब प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड में जाओगे, जमीन पर जाओगे, तो बात बदल जाती है। तो इसलिए आंदोलन बड़ा धैर्य से और बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए कौम को तैयार होना पड़ेगा। हमारी आपको जो रूपरेखा थी मैं संक्षेप में बताई है, और मेरे ख्याल से ये स्वीकार होगा हमारी जो कमेटी है तो ठीक है, नहीं तो वो करना चाहे हम उनको नैतिक समर्थन देंगे। नैतिक याद रखना, कल हमको ब्लेम मत करना भाई, हम जो है खुद जाकर के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि उस रूपरेखा को हम नहीं मानते हैं, ठीक है, लेकिन उनके खिलाफ हम कोई बयान नहीं देंगे और नैतिक तौर पर पूरा हम जो है समर्थन करेंगे। ये पंचायत के सामने, समाज के सामने हमारा वादा है। एकता की बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूं ये जो कमेटी जो बनाई है 25 आदमी की, उसमें एक बात जो बोली एक बेनीवाल साहब बोल गए, मैं जानता नहीं, बेनीवाल साहब थे प्रधान, बात ध्यान देना, एक लाख रुपए की बात है। आंदोलन चलाना है, कमेटी को चलाना है, तो उसमें राजनीति से जुड़ेगा कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अपनी पार्टी तरफ खींच के ले जाएगा और जो है एकदम जो है हमारी समिति जो बनेगी उसको तोड़ देगा। कभी मत मिलाना जो डायरेक्ट जुड़ेगा, डायरेक्ट वोटर तो सभी हैं पार्टियों के, हम लोग सभी पार्टियों के वोटर हैं, लेकिन पार्टी से जुड़े आदमी उसमें नहीं होना चाहिए। ये मूल बात है, ये इस बात को हमने पहले अपनाया था, जो आंदोलन शुरू किया उसी टाइम से अपनाया था। दो ही बात थी हमारी कि जो है हमारी असंग समिति चंदा नहीं लेगी जाकर के, और किसी नेता पार्टी वाले को कभी हमारे में सम्मिलित नहीं करेगी, और उसको निभाया हमने, याद होता आपको। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है, और जो 25 या 30 जितनी बनाते हो उसमें से एक केंद्र में बार तक करने के लिए जरूरत पड़ती है तो 11 आदमी की कमेटी भी बना दी जाए। उसके बाद अभी 2-3 खाप प्रधान बोला है कि खापों को दे देना चाहिए, तो भाई आपके सामने खुले दिल से खुले दिमाग से हम स्वीकार करते हैं, यदि खाप आंदोलन चलाती है तो उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेंगे और अगुवाई खापों की होगी, कोई इतराज नहीं। बिल्कुल भाई ये कहना था, मोटी बात, भाषण तो बहुत है बोलने के लिए, बात भी बहुत है, भाषण की बात नहीं है, क्योंकि हमारा समाज समझता नहीं है कि आज जाट के साथ क्या हो रहा है। मोटे तौर पर एक मिनट मुझे टाइम देना है, हरियाणा में 30% जाट, सिख मुसलमान मुला जाटों को मिला करके, मंत्री कितने 2, हरियाणा में अग्रवाल बाणिया कितने 4%, मंत्री कितने 2, हरियाणा में कितने 5% पूरे नहीं है मंत्री 2, और पंजाबी 6% पूरे नहीं है, मुख्यमंत्री भी उनका और मंत्री उनका, राज भी उनका,
और अभी मैं आपको सोचने के लिए क्वेश्चन छोड़ के मैं बात अपनी खत्म करता हूं। ये सारा जो आज दमन चक्कर जो जाट कौम के खिलाफ है उसके जिम्मेवार जाट हैं, और वो क्यों हैं? हम लोगों ने सन 1947 में मुसलमानों को मार करके और उनको यहां बुलाया। धन्यवाद, जय जाट, ध्यान देना इस बात। धन्यवाद कमंड साहब, राष्ट्रीय सर्व खाब सर्व